गुड इवनिंग एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैप ट्यूटोरियल सीरीज। तो हम मॉड्यूल देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सपोर्ट सिस्टम की, उसके बाद है आपका मॉडलिंग। अभी तक ऊपर हमने जितने टूल सीखे हैं वो सारे मॉडलिंग में ही यूज आते हैं, और हम एडवांस मॉडलिंग करेंगे जब हम सारे टूल्स जान लेंगे। तो मॉडलिंग के अंदर ही एक आती है आपकी चीज एडिंग स्टोरेज एंड ग्रिड सिस्टम। जब आप न्यू फाइल करते हैं तो आप वहां पे अपनी ग्रिड डिफाइन करते हैं, स्टोरेज डिफाइन करते हैं, बट आपने बाय चांस आपसे मिस्टेक हो गई, आपने नंबर स्टोरेज कम या ज्यादा डिफाइन किए हैं, और ग्रिड में भी कुछ लाइनें कम या ज्यादा डिफाइन की है स्पैन, तो हम उसको एडिट कैसे करें। और हम उसके ऊपर बीम और कॉलम ड्रॉ कर चुके हैं, अब हमें पता चलता है कि हमें नंबर ऑफ स्टोरेज कम करने हैं या बढ़ाने हैं, तो ग्रिड को कैसे हम एडिट करें, तो वो इसमें हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में, एडिट स्टोरेज एंड ग्रिड सिस्टम को ही हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एक मॉडल बना लेता हूं, उसके बाद हम उसमें कैसे ग्रिड को चेंज कर सकते हैं वो चेक करेंगे। ऐसा ही मैट्रिक यूनिट ले ली मैंने, जो डिफॉल्ट आपका ग्रिड है 4x4 और 4 स्टोरी का, वही ग्रिड ले लेते हैं हम। जब हम स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा हमारा सॉफ्टवेयर स्लो रन करता है। चलिए आगे ग्रेड, हम क्या करते हैं ऑल स्टोरेज करके ड्रॉ भी कर लेते हैं कॉलम भी। डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी इन्होंने ली हुई है स्टील सेक्शन ले लेते हैं, कॉलम भी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, ये हमारे एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमें याद आता है कि हमारे नंबर ऑफ स्टोरेज 4 नहीं 5 थे, और जो फिफ्थ स्टोरी उसकी हाइट इतनी थी, तो अब हमें पहले ग्रिड बनानी होगी वैसी। तो क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे और यहाँ पे आता है एडिट स्टोरी एंड ग्रिड सिस्टम। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका स्टोरी के लिए है, और जो नीचे वाला है आपका ग्रिड के लिए, स्पेंस के लिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, तीन बटन इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले मॉडिफाई शो स्टोरी डाटा, इस पे क्लिक किया मैंने तो देखिए स्टोरी दिया हुआ है, उनकी हाइट, एलिवेशन, मास्टर स्टोरी कौन सा है, सिमिलर स्टोरी क्या है, स्प्लाइस क्या है, और स्प्लाइस हाइट कितनी देनी है, स्टोरी का कलर क्या है। भाई कलर आप देखना चाहते हो तो हर स्टोरी का अलग कलर आएगा। याद हो आपको मेरी फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे की वीडियो में मैं इसको डिटेल में बता चुका हूँ, एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ। ये नंबर ऑफ स्टोरेज जो आपकी डिफॉल्ट है, जो आपने बनाई ये ग्रिड, और हर स्टोरी का कितना हाइट है आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ फर्स्ट स्टोरी आपका 2.9 हो तो 2.9 जाएगा। जैसे ही मैंने 2.9 यहाँ चेंज किया, देखिए यहाँ पे हाइट चेंज हो गई, यहाँ प्लस 0 ग्राउंड 2.9 प्लस 3 5.9 प्लस 3 8.9 प्लस 3 11.9 एलिवेशन है। यह है मास्टर स्टोरी, क्या आपका मास्टर स्टोरी कौन सा है वो कर सकते हैं। ये सिमिलर स्टोरी के आपके सारे स्टोरी किसके सिमिलर है, जो हमारा मास्टर स्टोरी है फोर्थ। स्प्लाइस यानी कि मान लीजिए आपका स्प्लाइस हाइट वो होती है जहाँ पे हमारी, खासकर हम स्टील स्ट्रक्चर में इसको डिफाइन करते हैं, कि मान लीजिए आपका कॉलम है उसको फर्स्ट फ्लोर के से दो फ्लोर के लिए हमें कॉलम चाहिए 6 मीटर, 3-3 मीटर का ईच फ्लोर है, बट हमारे पास कॉलम 5 मीटर का है, तो हमें एक और कॉलम उसमें ऐड करना होगा बोल्ट से या वेल्डिंग से, तो किस डिस्टेंस पे है वो स्प्लाइस वो पूछ रहा है। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ फोर्थ स्टोरी पे है और यस कर देता हूँ यहाँ पे कितने मीटर पे है, तो डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने कहा मुझे स्टोरी ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऐड स्टोरी, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, जो हाइट हमारी पहले से है वही एग्जिस्ट हो, ठीक है, ये आ गया हमारा 5 स्टोरी। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं हम स्टोरी।
ठीक है, सेकंड में चलते क्विक, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो डिफॉल्ट स्टोरेज हाइट से यहाँ पे देखिए ऐड होते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहा हूँ ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पे सेट आपको स्टोरेज का किसी का नेम चेंज करना है या नेम चेंज किया हुआ डिफॉल्ट करना है, सॉरी डिफॉल्ट करना है। मान लिया मैंने स्टोरेज 1-2 को लेबर 1 फ्लोर 1 किया हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ स्टोरी में आ जाए तो इस पर क्लिक करते ही आ जाएगा। एक बार चेक करें, जैसे कि मैं इसको लिख देता हूँ अपर फ्लोर, अपर अपर डाल दिया मैंने यहाँ पे, ओके कर दिया, यहाँ पे आ रहा है अपर, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने यहाँ पे सेट डिफॉल्ट किया, दोबारा से स्टोरेज 8 हो गया। तो तीनों टैब आप जान गए। अब यहाँ आते हैं ग्रिड सिस्टम, एड न्यू ग्रिड सिस्टम, कि आप एक और ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हो फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो अभी उसको नहीं करेंगे। मॉडिफाई, इसी को मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ बता चुका हूँ ये बबल का साइज है, ये जो बबल है ये ग्रिड का कलर है, कलर चाहते हैं हम, ये ग्रिड का एक्सिस है, ओरिजिन कहाँ रखना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखिए प्लान में ए बी सी और डी तक हमारे स्पैन है, हम चाहते हैं एक और ऐड हो जाए, तो देखिए एक और ऐड हो गया। यहाँ पे हम चाहते हैं 1, 2, 3, 4 एक और ऐड हो जाए, ऐड हो गया। और यहाँ पे हम कि हम स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाली स्पेसिंग चेंज कर देता हूँ, ये है हमारे 8-8 मीटर के, इसको 4 मीटर कर देता हूँ, तो 24 + 4 = 28, देखिए छोटा हो गया। इसी तरह वाई में एक चेंज कर देता हूँ मैं, 29, यहाँ पे छोटा हो गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, बबल विजिबल होना है, लाइन विजिबल है या नहीं, इस पर देखिए मैं जैसे ही करता हूँ इस वाली पे तो सी हाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पे किसी को भी हम हाइड कर सकते हैं। साथ में बबल कहाँ लगाना है, स्टार्ट पे कि एंड पे, एंड पे गिरेगी, यहाँ बबल एंड पे चला गया, और बहुत स्टार्ट पे भी है और एंड पे भी है इस लाइन में, और मैं चाहता हूँ ना हो बबल तो बबल है नहीं, ठीक है। तो ये है आपका स्टोरेज डाटा। ये डिलीट करना है ग्रिड सिस्टम, ये जो है कॉपी करनी है, एक और बनानी है, और यहाँ से d.dxf और dwg ये होता है आपका ऑटो कैड की फाइल फॉर्मेट, ये हम ऑटो कैड से इम्पोर्ट कर सकते हैं। आगे जाके बताऊंगा कैसे इम्पोर्ट में बना हुआ एक प्लान को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं एज ए ग्रिड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सेव कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, फिर इस ग्रिड को हम ऑटो कैड में ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका एडिट स्टोरेज ग्रिड डाटा। तो आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे रेप्लिकेटर और छोटे टूल्स हैं। देखिए शायद अभी आपको लग रहा होगा कि ये बोरिंग ट्यूटोरियल्स हैं, क्योंकि ये टूल्स जानने बहुत जरूरी है, तभी हम किसी बिल्डिंग की मॉडलिंग कर सकते हैं। ये हम सारे टूल्स जब जान लेंगे तब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, पूरी पूरी बिल्डिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक करेंगे, पूरा उसका डिजाइन, उसकी सारी कैलकुलेशन, कि हमारा सॉफ्टवेयर कितनी कैलकुलेशन कर रहा है और हमें मैनुअली कितने करना है, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये टूल्स के सीख लें, थोड़ा टाइम की मेरे पास कमी रहती है, इसीलिए मैं एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, बट धीरे धीरे करेंगे इसको भी। थैंक यू।